Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ सात अलसो बाल है आसीत पुरा एक है अलसे है बालक है सह स्व कार्यम अपि कदापि न अक्रोत सह नित्यम पाठ शालाम न अगच्छत कक्षायाः कार्यम सम्यक न अक्रोत सह एकदा अचिन्त्यत अद्य अहम् विद्यालयम् न गमिष्यामि उद्याने गत्वा कंदुकेन पक्षिभिः सह क्रीडिष्यामि हिंदी अनुवाद प्राचीन काल में एक आलसी बच्चा था वह अपने काम कभी भी नहीं करता था वह रोजाना पाठशाला नहीं जाता था कक्षा का कार्य सही तरीके से नहीं करता था एक दिन उसने सोचा आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा बल्कि उद्यान जाकर गेंद से पक्षियों के साथ खेलूंगा ततः सह उद्यानम अगच्छत उद्याने एकः अपि जनः न आसीत् शाखायां सह एकं काकम् अपश्यत् बालकः अवदत् हे काक आगच्छ मया सह क्रीड इति काकः अवदत् भो बालक इदानीं प्रातः वेला अस्ति अहम् जनजागरणाय गच्छामि मम बहु कार्यम् अस्ति अवकाशः न अस्ति त्वमेव क्रीड इति हिंदी अनुवाद तब वह बच्चा उद्यान गया उद्यान में एक भी व्यक्ति नहीं था उसने एक टहनी पर एक कौवा देखा बालक ने कहा हे कौवे आओ मेरे साथ खेलो कौवे ने कहा अरे बच्चे यह प्रातः का समय है मैं जन जागरण के लिए जा रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे काम है फुर्सत नहीं है तुम ही खेलो ततः सह उद्याने कपोतान अपश्यत सह तान अघत्यत बहु मित्र आगच क्रीडा में है एकः कपोतः अवदत अधुना वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छामे है शोभनाम वेलाम वयम न याप्यैष्यामे है ततः सह बालकः एकम भ्रमरम अपश्यत तम अवदत अरे भ्रमर त्वं सदा मकरंद पानम करोषि इदानीं मया सह क्रीड भ्रमरः अघत्यत यदि अहम् त्वया सह क्रीडामि तर्हि कदा परागम ग्रहिष्यामि त्वं अप्रेण अयेन सह क्रीड एवं पीपलिका अपि एतत् एव उत्तरम अयच्छत हिंदी अनुवाद तब उस बालक ने उद्यान में कबूतरों को देखा उसने उनसे कहा अरे मित्र आओ हमारे साथ खेलो एक कबूतर ने कहा अभी हम भोजन के लिए खेत जा रहे हैं हम इस सुंदर वेला को नहीं छोड़ सकते तब उस बच्चे ने एक भौरे को देखा उसने उससे कहा अरे भौरे तुम हमेशा शहद पीने में व्यस्त रहते हो आओ मेरे साथ खेलो भौरे ने कहा यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूं तो मैं पराग कैसे प्राप्त करूंगा तुम दूसरे के साथ खेलो इसी तरह चींटी ने भी वैसा ही उत्तर दिया ततः सह अलसह बालकः अचिन्त्यत अस्मिन् संसारे खगाः मृगाः कीटाः अपि अलसाः न सन्ति अहमेव किमर्थम् अलसः भवामि इति तदा सः प्रतिदिनं पाठशालां गत्वा अध्ययनम् अकरोत् पंडित शच अभवत् ततः सः इमं श्लोकम् अपठत् हिंदी अनुवाद तब उस आलसी बालक ने सोचा इस संसार में पक्षी जानवर और कीट भी आलसी नहीं है मैं ही आलसी क्यों बनूं? फिर वह रोज पाठशाला जाकर पढ़ाई करने लगा और वह पंडित बन गया उसने फिर यह श्लोक पढ़ा आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीर स्थानो महान रिपुहु
नास्ति उद्यम समो बंधुः यम कृत्वा नावसीदति। हिंदी अनुवाद। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता उसका कोई सच्चा मित्र नहीं होता, जिसे पाकर वह निश्चित रहे। सरलार्थ, आलस्यम ही नरानाम शरीरे स्थितम तेषां महान शत्रुः अस्ति। परिश्रमेन समम संसारे न अस्ति मित्रम। येन सह मैत्री कृत्वा नरः दुखी न भवति। हिंदी अनुवाद। सरल अर्थ। आलस्य जो मनुष्यों के शरीर में स्थित होता है उसका महान शत्रु होता है। परिश्रम के बिना समस्त संसार में कोई मित्र नहीं होता। जो इसके साथ मित्रता करता है वह दुखी नहीं होता। शब्दार्थ है अलस अर्थात आलसी, कामचोर आइडल, सम्यक अर्थात अच्छी तरह वेल, काक अर्थात कौवा क्रो, अपश्यत अर्थात देखा, सौ कपोतः अर्थात कबूतर, पीजन भ्रमर अर्थात भौरा, ब्लैक बी मरकंद अर्थात पुष्प रस नेक्टर, अपरेन अर्थात दूसरों के साथ विद अदर, पीपीलिका अर्थात चींटी, आंट पंडिशच अर्थात विद्वान, स्कॉलर रिपुहु अर्थात शत्रु एनिमी, खगाहा अर्थात पक्षी बर्ड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।